मकराना मार्बल खनन क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिकों की कल एक बैठक आयोजित हुई है। आप सभी को बता दूं कि इस बैठक के पीछे बड़ी वजह यह है कि जिन मजदूरों की काम के दौरान मौत हो जाती है उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और सभी को समान रूप से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो इसी को लेकर के सभी श्रमिकों ने मुद्दे भी उठाए हैं और मुद्दे उठाने के बाद में वह प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष भी रखे गए हैं। हाल फिलहाल इसको लेकर के अभी क्या अपडेट्स सामने आ रही हैं सीधा दर्शाते हैं इस रिपोर्ट में। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की एक बैठक रविवार को कालानाड़ा स्थित रफी अहमद किदवई फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित हुई है, जिसमें दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मौत होने पर मुआवजे, वेतनमान, साप्ताहिक अवकाश सहित विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी की गई हैं। बैठक में मजदूर नेता कामरेड नारायण रामलूडी ने कहा कि किसी खान दुर्घटना में मजदूर की मौत होने पर उचित व एक सम्मान मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मार्बल खानों पर ठेकेदार खनन का ठेका लेकर के श्रमिकों से कार्य करवाते हैं, ऐसे में ठेकेदार व खान मालिक के बीच में भविष्य में संभावित दुर्घटनाओं को लेकर के करार होना चाहिए। श्रमिक अपनी जान जोखिम में डालकर के काम करता है और दुर्घटना होने पर ठेकेदार व खान मालिक दोनों ही जिम्मेदारी से दूर हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर मार्बल रेंज और क्षेत्र को खानों में दुर्घटना पर श्रमिकों को दिया जाने वाला मुआवजा एक समान होना चाहिए। मजदूर नेता कामरेड मोतीलाल शर्मा ने कहा कि मजदूरों को संगठित होना होगा। कामरेड हरेंद्र सिंह ने कहा कि श्रमिकों को उनके सभी अधिकार मिलने चाहिए। दुर्घटना होने पर मुआवजा, इलाज व सही मानदेय श्रमिकों का हक है।